अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आनंद नजीब। आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ रेक्सिमस की थ्रोन जेन 2 FDE कलर में, इसमें ब्लैक कलर में भी आप ले सकते हैं। इसकी आज एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं 50 यार्ड में मुख्तलिफ पैलेट्स के साथ। इंशाल्लाह वीडियो के अगले हिस्से में हम करेंगे इसको ऊपर स्लग टेस्ट। इसकी पावर थोड़ी कम की है, हैमर को लेकर आए हैं हम 6 पे। रेगुलेटर वही फैक्ट्री सेटअप में 100 बार पे सेट है। इस वक्त ये दे रही है कोई 881-82-893, कोई 887-88 एवरेज बनती है। तो इस विलासिटी के साथ हम इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे मुख्तलिफ पैलेट्स के साथ, और इसके बाद इसकी पावर बढ़ा के हम सलग इसके ऊपर आजमाएंगे। पहली वीडियो में इसका हमने तारुफ पेश किया पूरा, और दूसरी वीडियो में हमने इसकी मुकम्मल क्रोनी की है। 104 पाँच शाटें मिली हमें 888-87 FPS एवरेज के साथ। तो सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं GSB 18 ग्रेन के साथ, 18.13 ग्रेन 50 यार्ड पे। कमाल का ग्रो मिला है जी, एक छरा नीचे गया है और बाकी के छरे जो लगे हैं वो तकरीबन सेम होल में, एक छरा और लगा लेते हैं। कमाल का ग्रोप है GSP। अच्छा जी, एक ग्रुप और भी ले लेते हैं सी के साथ, सिंगल शॉट ट्रे लगाते हैं ये। अच्छा जी, सिंगल शॉट ट्रे जी, आसान। थोड़ा इस तरफ करें, नहीं सिंगल शॉट ट्रे से थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ वैसे ही
पहला ग्रुप बेहतर है जी, ये थोड़ा खुल गया है क्योंकि बार बार बंदा डिस्टर्ब होता है। तो मैगजीन के साथ अच्छा रिजल्ट है। सिंगल शॉट ट्रे में जब छरा डालते हैं तो वो कभी कभी उल्टा चला जाता है, कभी सीधा होकर खड़ा हो जाता है, वो पूरा सीध में बैठ नहीं रहा। एक तो ये इसके साथ थोड़ा मसला आ रहा है, और दूसरा ये जो गेज है ये वाली, ये मेरी सजेशन है जी कंपनी को कि अगर इसको इस तरफ लगा लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा ये इरिटेट करती है जब आपने पकड़ा हो तो यहाँ से जब लोड करते हैं तो ये आगे आती है। चलें जी, JSB के 12 कोडा के साथ इसको चेक करते हैं। JSB का 12 कोडा 18 ग्रेन, ये नया छरा आया है जी 18 ग्रेन में JSB का, सॉरी HNN का 12 कोडा 18 ग्रेन का छरा। ये 18 ग्रेन में पहले HNN के छरे नहीं होते थे, मिनिमम वो 21 ग्रेन से शुरू होता था HNN का छरा। तो अभी ये निकाला है उन्होंने, तो इसका रिजल्ट देखते हैं और पूरा ही मैगजीन चलाते हैं, बजाय हम दो दो ग्रुप लें, एक ही ग्रुप में 12 छरों का मैगजीन ही चला देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। जी थोड़ा ऊपर गया है, माजरा चाहता हूँ दोस्तों, जो कैमरा मैं लगा कर आया था वो हिल गया है और आहिस्ता आहिस्ता बिलाखिर वो और गिर गया था। रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है इसका, मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। इसके बाद हमने इसके ऊपर बहुत सारे छरे आजमाए हैं, RWS के, सुपर फील्ड और बाईजान, और इसके अलावा और भी बहुत सारे, लेकिन वो वीडियो आगे है, मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं। जी शुरू के दो छरे इधर उधर गए हैं जी, बाकी का तो उन्होंने एक ही होल बना दिया है। जब भी आप छरा चेंज करते हैं बैरल के ऊपर तो वो सेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, जब आप एक छरे से दूसरे छरे पे शिफ्ट होते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है, वो दो छरे हो सकते हैं, चार छरे, पांच छरे हो सकते हैं, फिर वो एक रस्सी पकड़ता है। तो HNN का 12 कोडा अच्छा छरा है जी, दो ग्रुप हमें मिल गए हैं और 18 ग्रेन में बाईजान जी, बाईजान मैच, ये एक सस्ता छरा है, बाकी के छरे जो हमने आजमाए हैं JSB या वो HNN वो महंगे हैं जी बहुत, अगर इस पे ये एक्यूरेसी देती है तो फिर तो वाह वाह है। अच्छा जी, आप इसके ऊपर आजमाते हैं प्रेडेटर पॉलीमैग,
नहीं जी, इसको ऐसे ही मैगजीन में नहीं आ रहा, ये इसकी नोक है, एक एक करके लगाते हैं। ये आ गए हैं जी रिजल्ट, तो इनको चेक करते हैं। ये JSB 18 ग्रेन का रिज़ल्ट है, आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा है, ये नीचे लग गए हैं। मैंने ऑफ कैमरा इसका रिज़ल्ट चेक किया है तो ये एक नाखून के बराबर था। अच्छा जी, ये दूसरा ग्रुप था HNN का, 12x18 ग्रेन का, ये आधे इंच का ग्रुप है जी, 5-1। और इसके बाद भाईजान के साथ कुछ अच्छर यहाँ पे लगे हैं और बाकी ये नीचे। इसके बाद हमारा वो कैमरा भी नीचे गिर गया था, तो उन बाकियों के साथ रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर नहीं है। अच्छे रिज़ल्ट हैं जी, ख़ासकर JSB 18 ग्रेन के साथ, और 12x18 ग्रेन ये भी अच्छा रिज़ल्ट दिया इसने। तो इंशाल्लाह जी इसकी पावर बढ़ाते हैं और वीडियो के अगले हिस्से में हम इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे मुख्तलिफ स्लग्स के साथ, क्या ये स्लग चला सकती है या नहीं। तो आजकल जो भी स्लग चलाएगी एयरगन वही मार्केट में कामयाब होगी। ये थी जी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।